सर एक 50,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? ये एक पारदी गैंग का एक मुख्य सरगना है जिसके ऊपर 50,000 रुपये का रिवॉर्डेड क्रिमिनल है ये, और यूपी से इसके ऊपर 50,000 रुपये का रिवॉर्ड है। ये और एक इसकी वाइफ सुलोचना, इन दोनों को पकड़ने में गुड़गांव पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम और उसके उनके जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर पंकज, उनके द्वारा इस एक टारगेट सेट करा गया। और उस दौरान फिर जो टीम है कपिल द्वारा एक टीम को दिशा निर्देश दे के इस टारगेट की सर्च के लिए भेजा गया। जो सुलोचना है वो हमारे गुड़गांव से एक ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थी और उसके ऊपर 2 हत्या और 6 चोरियों की वारदात एमपी में और अलग अलग जो संबंधित राज्य हैं उनमें दर्ज हैं। तो उसकी सर्च में गया और हमारे यहाँ पर एक आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा गया था सनी सुनार के खिलाफ, जो कि ज्योति पार्क का रहने वाला है। उससे भी एक कट्टा बरामद हुआ था और जब उसका सोर्स जानने की कोशिश करी गई तो पता चला कि एक मन्ना सिंह है जो गुना डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर, वहां का रहने वाला है और पारदी गैंग का एक मुख्य सरगना है। तो जब जानकारी हमने और इकट्ठी करी और पता चला कि जो सुलोचना है ये मन्ना सिंह की ही वाइफ है, तो इसके संबंध में हमने टारगेट को सेट करा, टीम गठित करी गई और फिर एमपी इसकी सर्च के लिए भेजा गया, जहां से मौके से जब सर्च के दौरान जब पता चला कि दोनों जो सनी सुनार को जिसने वेपन सप्लाई करा था वो मन्ना सिंह और सुलोचना दोनों को ही पुलिस ने अरेस्ट करने में और पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। पूछताछ में जब इनको लिया गया तो पूछताछ के दौरान पता चला जो सुलोचना के खिलाफ 2 हत्या और 6 चोरी की अलग अलग वारदातें हैं, और उसके अलावा जो मन्ना सिंह है ये क्योंकि एक कुख्यात एक तरीके से पारदी गैंग का बहुत बड़ा वांछित अपराधी रहा है और इसके ऊपर जो यूपी से 50,000 रुपये का एक इनाम भी है। तो इसकी पूछताछ में और भी पता चला कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा हत्या लूट डकैती चोरी इस तरीके की अन्य वारदातों को इसने अंजाम दे रखा है अलग अलग राज्यों में, जैसे कि यूपी है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र हो गया, एमपी के अंदर की लगभग 16 वारदातें हैं और अन्य राज्यों को अभी हमने और लिख के भेजा है कि इसके संबंध में अगर किसी के राज्य में भी किसी प्रकार की ऐसी घटनाक्रम हुई है तो उसके बारे में सूचना दें ताकि हम उसके बारे में उनको सूचित कर सकें। तो इनको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और अब इनको कोर्ट में पेश करा जा रहा है और फर्दर रिमांड हासिल करा जाएगा। सर ये कोई गैंग है या केवल ये पति पत्नी गैंग चलाते हैं? देखिए पारदी गैंग के नाम से प्रचलित है और दिल्ली एनसीआर और संबंधित जितने भी हमारे आसपास के राज्य हैं इन सभी जगहों पर ये गैंग अक्सर ऐसी घटनाक्रमों को और वारदातों को अंजाम देता है। मोस्टली हत्या लूट चोरी वगैरह की इस तरह की वारदातों को ये अंजाम देता है अपने गैंग के तौर पर। और ये एक मुख्य सरगना था मन्ना सिंह, 50,000 का इसके ऊपर ऑलरेडी रिवार्ड है और जैसे मैंने बताया कि मोर देन 20 से ऊपर 22 से ऊपर के आसपास की लगभग इनके ऊपर वारदात है। अभी और भी जानकारियां हासिल करी जा रही हैं कि कितनी और ऐसी गतिविधियां वारदातों को इन्होंने अंजाम दे रखा है। तो सर इनके पास से कुछ बरामद भी किया गया है? अभी क्योंकि हमने अरेस्ट करा है अब हम रिमांड पे लेंगे और फर्दर और इनसे गहनता से जांच करी जाएगी कि किस किस तरीके की और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।